Hello guys, welcome back to my channel Gorgeous Hub. Today I have come up with some new interesting things. I hope you will like it. So let's get started. जो आज का ये हमने प्रोडक्ट्स लिस्ट करे हैं ये सारे फ्लिपकार्ट से ही हैं और फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ये वॉशिंग मशीन का कवर है. हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो LG की है. 9 kg ऑटोमेटिक है और टॉप लोडेड है. तो उसके लिए हमने एक कवर ऑर्डर करा था. आप देख सकते हैं इसका फ्लोरल डिज़ाइन है और इसमें आपको ऊपर जिप मिलती है. इसको आप एक बार चढ़ा दो, आपको बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और यहाँ पे ये वाटर इनलेट के पाइप के लिए यहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है. और ये जो है स्विच के लिए है और ये वाटर ड्रेनेज के लिए है. मार्केट में यूजुअली हम लोग जाते हैं तो वॉशिंग मशीन के कवर के लिए तो वो परफेक्ट नहीं बैठते हमारी वॉशिंग मशीन पे, बट ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया और ये मेरी वॉशिंग मशीन पे जो है पूरा फिट बैठा है. ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था 417 रुपीज़ में. लिटरली आई जस्ट लव इट. मेरे को ये कवर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठा है हमारी वॉशिंग मशीन पे. और इसको बार बार साफ़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. आप बस इसे अपने गीले कपड़े से वाइप कर दें, ये साफ़ हो जाएगा. और ये वाटरप्रूफ भी है. और अगर आपको ये कवर पसंद आया हो तो आप भी बाय कर सकते हैं. जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आज के सारे प्रोडक्ट्स के. सो जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये लॉन्ड्री बैग्स. आई नो कुछ लोगों को पता नहीं होगा लॉन्ड्री बैग्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं. मैं बता देती हूँ. ये जो ये 4 साइज़ में अवेलेबल है, मतलब इसके अलग अलग साइज़ हैं. ये देखिए इस तरीके का बैग होता है. इसके अंदर आपको एक जिप दी गई होती है. और यूजुअली जो लेडीज़ होती हैं उनकी बहुत सारी एक्सपेंसिव वेयर्स होते हैं, जैसे साड़ीज़ हो गई एंड ऑल, तो उनमें स्टोन्स एंड पर्ल्स का बहुत काम होता है. तो क्या होता है, जब हम उसको अपनी वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए डालते हैं तो कई बार वो स्टोन्स वगैरह सब निकल जाते हैं और हमारी वॉशिंग मशीन को बहुत हार्म करते हैं. इसीलिए हमारी वॉशिंग मशीन को उस हार्मनेस से बचाने के लिए ये लॉन्ड्री बैग्स यूज़ होते हैं. आप इसमें अपने जो क्लोथ्स हैं वो डालिए और ज़िप लगा दीजिए. और ज़िप में देखिए यहाँ पे एंड में एक इलास्टिक भी दिया जाता है. इससे क्या होता है, जो ज़िप का लॉक है वो इसके अंदर डाल दो आप इस तरीके से. अब जो ये ज़िप का लॉक है ये भी आपकी वॉशिंग मशीन को हार्म नहीं कर सकता. और इसका जो मटेरियल है वो नेक टाइप का मटेरियल है, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. मैं इसके आपको साइजेस दिखा देती हूँ. आई थिंक ये उससे बड़ा वाला साइज है. और ये उससे छोटा वाला साइज है. चारों ही अलग अलग साइजेस में मिलेंगे आपको. और ये सबसे नहीं, ये भी थोड़ा मीडियम साइज़ ही है. सबसे छोटा वाला साइज़ ये वाला है. इसके अंदर आप अपने अंडरगारमेंट्स डाल सकते हैं. और मतलब जो हुक्स वगैरह होते हैं वो कई बार हमारी मशीन में भी अटक जाते हैं और क्लोथ्स में भी डिस्टर्बेंस कर देते हैं, मतलब टोटली मेल फंक्शनिंग कर देता है मशीन की. तो इससे क्या होगा, आपकी मशीन तो प्रोटेक्टेड रहेगी रहेगी और आपके क्लोथ्स भी, जो बाकी के क्लोथ्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे. और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदे थे. आई गेस 366 रुपीज़ के ख़रीदे थे. और जो इसका लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ये रिंग लाइट है. आई नो मोस्ट ऑफ यू, आप सबको पता ही होगा ये किस लिए यूज़ होती है. ये सेल्फी रिंग लाइट है, मतलब इसको अपने फ़ोन पे आगे लगाइए और जहाँ पे लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत होती है और लाइट कम होती है वहाँ पे ये रिंग लाइट लगाइए और आपकी जो सेल्फ़ी होती है वो क्लियर आती है काफ़ी. और
टिकटॉक बनाने के लिए तो यूज़ होती होती है, आप सभी को पता है। मैं बताती हूँ ये कैसे यूज़ करता है। ये आपका फ़ोन है, आपने इसको ऐसे लगाना है। आपका जो कैमरा है वो कवर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि यहीं से तो ये रिकॉर्ड करेगा। अब इसके पीछे एक छोटा सा स्विच दिया हुआ है यहाँ पे, आपको इसको ऑन करना है। आप लाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं किस हिसाब से आपको लाइट चाहिए, और फिर आप उसको या तो फोटो खींच लीजिए या सेल्फी ले लीजिए, जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। बाकी इसका एक वीडियो मैं बना के दिखा दूँगी कि ये वीडियो कैसे बनाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स। हाय वे मेरी जुत्ती वा भाई वा, हाय वे मेरे नैन वा भाई वा, हाय वे मैं कितनी सोनिया, हाय वे मेरी पैन वा भाई वा।